हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी की परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो ये संडे स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको रीजनिंग, मैथ और जीके की वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक जितनी भी मैं विज्ञान की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब आपका वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार केवल 2.5% है और दोस्तों इसमें से 1.75% टू 2% ग्लेशियर की फॉर्म में यानी कि आइस की फॉर्म में है और बचा आपका 0.5%, जो आपका 0.5% है ये आपका फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर यानी कि और जो नीचे हमारा ज़मीन में पानी है वो केवल इतना ही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो जिसको हम पीते हैं, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो ध्वनि का शोरगुल मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5, बायोगैस में मुख्यता होता है। तो बायोगैस में आपका मुख्यता होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगर मुख्यता की बात की जाए तो सिर्फ आप मीथेन को ही बोलेंगे, यानी कि CH4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोफोन का आविष्कारक है। तो ग्राम बेल है, सभी को पता है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कर्वी ये रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य ग्रहण होता है जब। देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेसमेकर संबंधित है। देखिए, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर का वर्क क्या होता है, पेसमेकर हेल्प्स मॉनिटर एंड कंट्रोल योर हार्ट बीट। ठीक है, मतलब कि आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करना, कंट्रोल करने का काम करता है पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नींबू में पाया जाने वाला अमल है साइट्रिक अमल। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडलीय हवा सर्वाधिक घटक है। देखिए, वायुमंडलीय हवा सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन का। देखिए, नाइट्रोजन जो एयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है 78%। देखिए, दो ही मेन गैस जो मेनली होती है, एक तो नाइट्रोजन, वैसे तो बहुत सारे गैसेस हैं बट जिनको हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.09%, बस हम इसको 78% बोल देते हैं। और ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है दोस्तों 20.95%, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 21% बोल देते हैं। तो एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपकी 21% होती है और बाकी आपकी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे ऑर्गन गैस है 0.93%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो बहुत सारी और भी गैसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो 13 वाला क्वेश्चन है आपका, गैस होल बनता है। तो गैस होल आपका बनता है पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपके फीमर है, कहाँ पे होती है, जांग में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है, तो सभी को पता है 206 होती है।
और अगर बच्चों की पूछी जाए तो दोस्तों बेबी में जब उसका बर्थ होता है तो उस समय 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है यानी कि लाइट ईयर मेजरमेंट किसका है, ये यूनिट है आपकी दूरी की, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी, ये आपका एंडरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है पानी का। क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की पराबैंगनी किरणों में पृथ्वी की रक्षा करता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, ओजोन परत, ठीक है, तो सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण कारण होती है, तो ये होती है टिटनस। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है, तो ये आपका ए बी ग्रुप, ठीक है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है, यानी कि हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है, तो घेंगा नामक रोग जो होता है गले में होता है और ये आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो देखिए लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकाल देता है, जो मोतियाबिंद बोलते हैं, किसी की आंख में मोतियाबिंद हो गया तो उसकी सर्जरी होती है, तो उसमें डॉक्टर लेंस के जो ऊपर अतिरिक्त जो पेशियां होती है उनको निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो ये यकृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो दोस्तों सॉरी ये देखिए माइनस नहीं होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस मत लगाइएगा इसमें, और अगर फेरानाइट में देखा जाए तो 98.6 फेरानाइट होता है, 98.6 फेरानाइट आपको किसी में भी पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, चंद्रमा ग्रहण लगता है जब, देखिए चंद्रमा ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अभी हमने देखा था सूर्य ग्रहण कब होता है और अभी हमने देखा चंद्रमा ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की उपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसलिए यातायात की जो बत्तियां होती हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों चढ़ जाता है, ये आपका केशिकत्व क्रिया के कारण यानी कि कॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है, कैपिलरी एक्शन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो उच्च तापमान आपका पाइरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, गतिमान वस्तु में होती है तो गति ऊर्जा होती है, ये भी क्वेश्चन आया कई बार। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे कठोर धातु तत्व है, प्लेटिनियम, ये सबसे कठोर धातु तत्व है। क्वेश्चन नंबर 36, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूरबीन यानी कि बाइनोक्यूलर, इसको बोला जाता है बाइनोक्यूलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, तो बैरोमीटर का यूज होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 38, जल का आयतन या सबसे कम ताप होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम करता है, सभी को पता होगा, ये भी बहुत बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों,
अल्फांसो है। देखिए अल्फांसो एक आम का एक प्रकार है, तो ये आप याद रखिएगा अल्फांसो। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं भाई आपके रेलवे के एग्जाम में। अब ये नहीं पता किस एग्जाम में आया था, शायद ग्रुप डी में, एएलपी में आया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, गति के नियमों की खोज किसने की? तो ये न्यूटन ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? देखिए शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आदर्श होती है, तो तब सबसे ज़्यादा अधिक पसीना निकलता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है आपका हाइड्रोजन का संलयन, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई। चलिए फटाफट कवर करते हैं वीडियो को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉन को धीमा करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक प्रकाश वर्ष है, देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि लाइट ईयर, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था 78% नाइट्रोजन होती है और 21% आपकी ऑक्सीजन होती है, तो दोनों को मिला दीजिए तो 99%, तो 99% आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ये ओजोन परत हो जाएगी, सभी को पता है। 51 है, कौन सा गैस चुन्ने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बदलती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12 और O6, हो जाएगा रासायनिक सूत्र ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 54, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, रिकेट्स है एक बीमारी, तो रिकेट्स जो बीमारी है ये हड्डियों से संबंधित है और स्पेशली ये बच्चों में होती है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 56 है, दृष्टि का हाइपर मायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो ये ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का, तो सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 58, एलपीजी के में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटोन और प्रोटोन रहता है उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 59, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्रश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि वे प्रश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वात्य भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस गैस कहते हैं दोस्तों मिथेन को। क्वेश्चन नंबर 62, एथिल एल्कोहल एक समयावी है, यह आपका डाइमेथिल इर्थ का, ठीक है, डाइमेथिल इर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बेकिंग सोडा जो खाने बनाने में प्रयोग किया जाता है का सूत्र क्या है? तो NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, ये भी कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑक्सीकरण है क्षति, ये इलेक्ट्रॉन की क्षति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, रबर आसानी से घुल जाता है बेंजीन में, बेंजीन में आसानी से घुल जाता है रबर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 67 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है N2, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला है ये N2 नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 68 है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, कौन सदिश राशि है? तो देखिए सदिश राशि आपका बल, विस्थापन, त्वरणीय, ये सब सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 70 है, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। तो संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है बाय नीलिय, यानी कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। तो इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, शरीर नियंत्रण में सहायक है। तो हमारे शरीर को नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क जो कोई पागल हो जाता है उनका दिमाग मतलब कम हो जाता है, ये हम बोलते हैं ना, तो हमारे शरीर को नियंत्रण कौन करता है? दिमाग, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 73, पोलियो टीके की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के, ये भी बहुत बार आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, यदि पृष्ठलीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर पृष्ठलीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठलीय जो कार्यरत दाब है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 है, जूल प्रति कूलाम इकाई है विभवांतर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, बॉल बियरिंग का बाल बनता बना होता है, बॉल बियरिंग का बाल बना होता है कार्बन क्रोम स्टील का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है कार्बन की प्रतिशत पर। जो लोहा होता है उसकी जो कठोरता निर्भर किस पे करती है? कार्बन की प्रतिशत पर। क्वेश्चन नंबर 79, लोहे का गलनांक है। देखिए लोहा कब पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है? ये 1539 यानी कि 1539 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रतिकिरण के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, एनेरॉयड बैरोमीटर में होता है पारा, एनेरॉयड बैरोमीटर में पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 84, बार इकाई है दाब की, दाब की इकाई क्या है? बार। क्वेश्चन नंबर 85 है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, याद रखिएगा। 86 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है अवतल लेंस, और ये आपका निकट दृष्टि दोष है। अगर दूर दृष्टि दोष हमें दूर करना होगा तो वो उसके लिए हमें उत्तल लेंस लगता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, पारे का स्रोत है। तो पारे का स्रोत क्या है? सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 8 है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 89 है, लाल रक्त अणु कहाँ बनते हैं? ये अस्थि मज्जा में बनते हैं। ठीक है, तो लाल रक्त अणु कहाँ बनते हैं? ये अस्थि मज्जा में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो देखिए भोजन का जो प्रारंभ पाचन प्रारंभ है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 92, वाट का प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में, वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 93, आलू किस कुल का है? सोलेनेसी का। ठीक है, सोलेनेसी कुल का है। क्वेश्चन नंबर 94, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 95, प्रातकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है, यानी कि रात के टाइम जो ओस पड़ती है उसका कारण क्या होता है? साफ आसमान एवं
साफ हवाएं इसका कारण होता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपका, अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होती है? तो ये यीस्ट कवक का उपयोग होती है। क्वेश्चन नंबर 97, कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इर्थर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, इस ये मच्छर का नेम है भाई जिसके द्वारा मलेरिया होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, सॉरी एनोफिलीज मच्छर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 100, रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोटीन का। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये 100 क्वेश्चन थे। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊं, तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो NTPC JEE और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। प्राइस है 149 रुपीज़, बट अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं तो केवल 119 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। डिस्काउंट कोड में आप छोटा सा चेंज कर लीजिएगा।